गुड मॉर्निंग, क्या आप कभी झंडे का अपमान होते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं तो हम बता रहे हैं, सभी लोग अपमान करते हैं, खासकर हो जाता है, मालूम भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम लोग के जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण और गुप्त जी के द्वारा लिखी गई दो लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये जो लाइन है सभी लोग सुने होंगे और सभी लोग आई थिंक 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत जोरों शोरों से इन लाइन का प्रयोग करते होंगे। होता कुछ ऐसा है कि सबको मालूम है कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। और तभी से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग सेलिब्रेट तो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि यह भी मालूम है कि संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, उस कमेटी के अध्यक्ष वही थे। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को झंडा लेते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी की भी झंडा लेते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग सेलिब्रेट करने के बाद क्या करते हैं, उस झंडे को खासकर इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं। कहीं नाली में पड़ा रहता है, कहीं रोड पे पड़ा रहता है, कभी किसी के पैर के नीचे आता है, जिसको देख करके बहुत अजीब सा लगता है। खास करके वह वर्ग जो टीचर वर्ग होगा, जो एक एक प्रोग्राम को स्कूल में बहुत तैयारी के साथ बच्चों से तैयारी करवाता है, उसके बाद प्रेजेंट करवाता है और उसकी महत्ता को बताता है। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, मतलब टीचर डे हो गया, हर प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बताता है और उससे प्रेजेंट करवाता है स्कूल में। और उसके बाद ऐसा अपमान तिरंगे का इधर उधर गिरा हो या किसी पैर के नीचे आता हो या नाले में हो, देख करके बहुत अजीब लगता है। तो वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, सभी के लिए हैं, आप झंडे को अपमान होने से बचाएं, उसका अपमान न होने दें। आप सेलिब्रेट करने के बाद झंडे को उचित स्थान पर रखें ताकि वह किसी के पैर के नीचे न आए, रोड पे इधर उधर न बिखरा हो या नाले में न हो, या देख करके बहुत अजीब लगता है। क्योंकि हम भी निकले थे ऐसे ही, थोड़ा टहल रहे थे, देखिए रोड के साइड में झंडा ऐसे गिरा हुआ था, तो हम उसको दिखाना नहीं चाहेंगे। लेकिन यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, सभी तक यह मैसेज जाना चाहिए, सबको पहुंचाना चाहिए कि झंडे का सम्मान करना है तो उसको यूज करने के बाद, उसके साथ सेलिब्रेट करने के बाद, फहराने के बाद, उसको उचित स्थान पर रखना है। छोटा झंडा हो या बड़ा झंडा हो, उसको सही से रखें ताकि उसका अपमान न हो, क्योंकि उसके लिए हम लोग अपना आन मान शान तक गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पे ठंडी में, गर्मी में, बरसात में रख करके हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी झंडे को सलामी देते हैं उसके आन मान शान के लिए। तो उसकी हिफाजत करना सबका धर्म है, कर्म है, तो उसको अच्छे से रखें, इधर उधर न फेंकें। खासकर सभी बच्चे स्कूल में, सभी अध्यापक से भी निवेदन है कि आप बच्चों को इसके बारे में बताएं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाने के बाद उसका मतलब, उसको कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, उसके बारे में सभी लोग बच्चों से बात करें, स्कूल में बात करें, उनके बीच में ये बात पहुँचाएँ ताकि झंडे का अपमान ना हो सके। बस यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।